जामा मस्जिद पथराव में 3 लोगों की मौत, पुलिस की गाड़ियां भी जलाईं, कई मकान क्षतिग्रस्त। यूपी के संभल में हुए बवाल की घटना के बाद अब हालात काबू में है। मौके पर भारी मात्रा में पथराव बिखरे हुए हैं, सड़कों पर गाड़ियां जलाई गई थीं, साथ ही साथ इलाके के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं घायल पुलिस कर्मियों का इलाज जारी है। एसपी संभल ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, हालांकि अब तक नाम का खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट तौर पर किस कारण मौत हुई यह नहीं बताया। गन शॉट इंजरी के सवाल के जवाब में ने कहा कि मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम से साफ होगा। इसकी तरफ से जो ड्रोन के माध्यम से हमने जो फोटोग्राफी की थी, वीडियोग्राफी की थी, उन सब लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम लोग इंश्योर करेंगे कि उन सब लोग जो उन्होंने इस कुछ प्रयास को किया है, अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी है, फायरिंग की है, उन सब लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, उन सब लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कितनी गाड़ियों को सर अभी आपके हवाले? आपके सामने देख सकते हैं आप, ये सब गाड़ियां हैं जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर वगैरह लोग जो ड्यूटी करने आए थे, उन्होंने जामा मस्जिद के परिसर के पास में रोकी थी, उन्होंने उन सब गाड़ियों को जलाया है। लेकिन यहाँ से मात्र 10 मीटर दूर इन्होंने अपने मोहल्ले की किसी भी गाड़ी को ना पत्थर मारे हैं ना इन्होंने आग लगाया है। डेडिकेटेड तरीके से, टारगेट तरीके से पुलिस को टारगेट करने का प्रयास किया है और इन सब लोगों को ढंग से तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई है वो भी अमल में लाएगी। पुलिसकर्मी सर कुछ घायल हैं? सर पुलिसकर्मी घायल है, मेरे खुद के गनर को यहाँ पीठ में चोट लगी है, मेरे खुद के पांव में चोट लगी है और कई सारे लोगों के ऊपर जो है इन्होंने इस तरीके का पत्थरबाजी की है और आपस में भी इन लोगों ने इनके ऊपर वहां से काफी सारी घटनाएं हैं वो संज्ञान में आ रही है। सारे सीसीटीवी गलियों में जितने सीसीटीवी लिए गए सबकी फुटेज लिए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी।